मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर त्रिपाठी और हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे ही दिमाग में आएगा तो आपके दिमाग में आता होगा साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स और कॉट एक्स। तो वो जो छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके बारे में हमको डिस्कस करना है, उनके बारे में हमको समझना है। तो आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे, आपको मैं एक एक चीज़ बहुत बेसिक चीज़ से लेकर के आखिरी तक पहुंचाऊंगा और आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। ये ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल साथ में बने रहें और देखते रहें। ये आपने देखा होगा, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्लियर है क्या मेरी बात? जिसमें ये ओ रहता है, ये एक्स एक्सिस रहता है, और ये कौन सा एक्सिस होता है? आपका वाई एक्सिस होता है। ये आपका एक यूनिट रेडियस का सर्कल है। कितने रेडियस का ले लिया हमने? यूनिट रेडियस का सर्कल ले लिया। ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट कौन है मेरे दोस्तों? ये एक्स कॉमा वाई है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी एक्स, ये डिस्टेंस कितनी होगी वाई, और ये एंगल मान लीजिए, ये एंगल कितना है आपका? थीटा है। तो ये अगर नाम दे दूँ मैं इसको ओ ए पी, इस ट्राइंगल को नाम दे दिया हमने, देखिए ओ ए पी, ओ ए पी। तो इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी, अगर कॉस थीटा होगा तो क्या होगा मेरे बच्चों? कॉस थीटा होगा बेस अपॉन ओ ए अपॉन ओ पी। ओ ए क्या चीज़ है आपका? ओ ए आपका एक्स, ओ पी क्या है आपका? वन। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है? एक्स अपॉन वन। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स क्या है? कॉस थीटा है, ध्यान रखना, कीप दिस थिंग इन माइंड। और साइन थीटा कितना है? साइन थीटा इसी ट्राइंगल में, इन द सेम ट्राइंगल, ए पी अपॉन ओ ए, ए पी अपॉन ओ ए। ए पी क्या है आपका? ए पी है आपका वाई, और ओ ए क्या है आपका? वन। तो इससे क्या पता चला आपको? साइन थीटा कितना आ गया आपके पास? वाई। हाँ ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा और वाई इक्वल टू साइन थीटा। तो इसका मतलब है, अब आप बिल्कुल दिमाग में अपने चढ़ा लें, एक्स मीन्स कॉस थीटा और वाई मीन्स साइन थीटा। इस बात को अपने बिल्कुल दिमाग में बिठा लें। तो अगर एक्स कॉस थीटा है और वाई साइन थीटा है, तो फिर हम एक बड़ा फिगर बनाते हैं और उसमें चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो ये बड़ा सा फिगर बना दिया, ये देखिए आप, इसमें एक्स कौन है? कॉस थीटा। ये पहला क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स और वाई क्या होते हैं? एक्स पॉजिटिव होता है और वाई आपका नेगेटिव होता है। एक्स क्या होगा ऐसे लिख देता हूं मैं, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई आपका पॉजिटिव होता है। ये इसमें, इस वाले में देखिए आप, एक्स क्या होता है आपको मालूम है? ये एक्स है, तो एक्स इसमें नेगेटिव होता है और वाई आपका पॉजिटिव होता है। इसमें आपका एक्स नेगेटिव होता है और वाई आपका नेगेटिव होता है। इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स आपका पॉजिटिव होता है और वाई आपका नेगेटिव होता है। वाई नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, इस तरह से। तो आपने ये समझ लिया कि इसमें देखिए कि इसमें आपका कॉस क्या है? कॉस आपका पॉजिटिव है। साइन क्या है आपका? पॉजिटिव है। साइन का जस्ट अपोजिट कौन होता है? साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक। अगर ये प्लस है तो कोसेक भी क्या होगा? प्लस, क्योंकि वन अपॉन प्लस प्लस होता है। कॉस प्लस है तो सेक भी प्लस होगा। अगर ऐसा हो गया है तो साइन अपॉन कॉस यानी प्लस अपॉन प्लस, टेन, टेन भी आपका क्या होगा? टेन प्लस होगा। और अगर टेन प्लस है तो आपका कॉट भी क्या होगा? प्लस होगा। तो इसमें सारे पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव है। अब इस वाले क्वाड्रेंट में देखिए, इसमें कॉस कितना है? इसमें कॉस नेगेटिव है ना, देखिए एक्स नेगेटिव है, एक्स मतलब कौन? कॉस। और देखिए वाई क्या है? पॉजिटिव है। तो वाई पॉजिटिव है यानी साइन कौन है? पॉजिटिव है। अगर कॉस नेगेटिव है तो इसका उल्टा सेक, वो भी नेगेटिव होगा। साइन पॉजिटिव है तो इसका उल्टा कोसेक, वो भी पॉजिटिव होगा। टेन को साइन अपॉन कॉस, प्लस अपॉन माइनस, माइनस कॉट, टेन का उल्टा वन माइन, वन अपॉन माइनस, तो वन अपॉन माइनस भी कितना होगा? माइनस। तो इसमें आपने देखा कि कौन प्लस है? ये वाला सेगमेंट जो है, ये वाला प्लस है, जिसको मैंने बॉक्स में लिख दिया।
ठीक है। अब इधर देखिए, इधर वाले क्वाड्रेंट में देखें आप, कॉस कितना है इसमें माइनस का, क्योंकि एक्स माइनस है। साइन कितना है आपका, माइनस का है। सेक कितना होगा, कॉस का उल्टा माइनस होगा। साइन का उल्टा कोसेक माइनस का होगा। टेन क्या होगा, माइनस अपॉन माइनस प्लस। कॉट क्या होगा, टेन का उल्टा प्लस। तो ये हो गया। तो इसमें प्लस कौन है, ये हो गया टेन वाला जो सेगमेंट है, ये प्लस हो गया। इधर वाले में देखिए, इधर वाले में x पॉजिटिव यानी cos पॉजिटिव है, y नेगेटिव है यानी sin नेगेटिव है। cos पॉजिटिव है तो sec क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस sin नेगेटिव है तो क्या होगा, cosec नेगेटिव होगा। अगर tan है तो tan क्या होगा, माइनस अपॉन प्लस, माइनस होगा। अगर tan माइनस है तो cot माइनस का होगा। तो ये है ऐसा। इसमें सारे पॉजिटिव हैं, इसमें साइन वाला, इसको ध्यान दो आप, इसको देखो ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाली बात। इसमें तो सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव हैं। इसमें साइन वाला पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी हो जाएगा। इसमें टेन, इसमें, तो आप ऐसे याद रख लो, ऐड ऐड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। तो इसका एड से क्या पता चल जाएगा, ऑल। इससे पता चल जाएगा एस से साइन, इससे टी से पता चल जाएगा टेन, सी से पता चल जाएगा कॉस। ऐसे आप याद रख सकते हो, ऑल देखो, ऑल साइन, इसमें कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव। इसमें देखिए, इसमें कौन है, इसमें कौन, इसमें टेन पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। इसमें कौन है, सी यानी कॉस, कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब कैसे हैं, नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव तो नेचुरली सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे आप याद भी रख सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये एक फंडा बना ले, इससे आपको क्वाड्रेंट का सिस्टम समझ में आ जाएगा। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, एक दो, जिसमें आपको रेशियोस निकालने होते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी रहती है और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालना होती है। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, फाइंड साइन एक्स एंड कॉस एक्स इफ टेन एक्स इज इक्वल टू 5/12 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री। तो अब आपको ये भी मालूम है कि 180, ये देखिए, ये कहाँ से कहाँ तक है ये क्वाड्रेंट, ये 0 से 90 डिग्री तक है, ये 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, ये 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री का होता है। फिर आगे कितना आएगा, ये 90 और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, फिर 90 और जुड़ जाएगा। तो ये कहाँ तक है, ये 90 डिग्री के लिए, ये 180 डिग्री तक, 180 डिग्री से चालू होकर के 270 डिग्री तक कौन रहेगा, 180 डिग्री से चालू होकर 270 डिग्री तक कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो इसका मतलब है कि x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको मालूम है, कोऑर्डिनेट में पढ़ा हुआ आपने, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज व्हाट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर आपको ऐसा दिया टेन एक्स 5/12, तो अब आप क्या करेंगे, तो टेन एक्स 5/12 है तो टेन एक्स आपका 5/12 है, तो 5/12 है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो ये परपेंडिकुलर है 5 और ये बेस है आपका 12। तो हाइपरटेन्यूज कितना होगा, आपको मालूम है, एच होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 13, प्लस माइनस मत लिखिएगा, ओनली 13, डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस कैन नॉट बी व्हाट नेगेटिव, तो 10x आपका वैल्यू आ गया 13। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालना है साइन x, x किस क्वाड्रेंट में है, x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन कैसा है आप देखिए, साइन कैसा है आपका माइनस का, तो आपका आंसर होगा साइन x इज इक्वल टू माइनस, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूस, तो माइनस 5/13। कॉस x कितना होगा, कॉस x भी देख लीजिए आप, कॉस x क्या होता है बेस अपॉन, और कॉस भी इस केस में देखिए कैसा है, कॉस कैसा है आपका, कॉस भी माइनस का है, तो कॉस भी माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस बेस अपॉन हाइपरटेन्यूस, माइनस 12/13। तो ये आपने निकाला, तो लास्ट ईयर तक भी आप ये काम करते थे, पर लास्ट ईयर में ये जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर मतलब जो साइन है प्लस माइनस, इनको सिग्नेचर बोलते हैं, जिसका एब्रीविएशन साइन है, SIGN, सिग्नेचर का एब्रीविएशन है साइन, तो आपको उसका ध्यान रखना होगा कि साइन कौन सा आएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ, ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज, फंक्शंस वैल्यूज इफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/5 एंड x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा भी दिया रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और ऐसा भी लिख सकते थे वो, क्या लिख सकते थे जैसा पिछली बार था कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक है, या फिर 270 डिग्री को वो रेडियन में भी लिख सकते थे, आपने डिग्री रेडियन कन्वर्जन का मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो देखिएगा, 3π/2 और इसको लिख देंगे 2π, तो ऐसा भी लिख सकते थे, तो दोनों भी लिखते तो भी कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास है साइन एक्स इज इक्वल टू कितना, बिल्कुल आसान है बच्चों, मेरे साथ बने रहें, आप देखते रहें, परपेंडिकुलर और ये हाइपरटेन्यूस है, तो बेस कितना होगा आपका, बेस होगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 में से 9 गया तो 16 बचा, 16 का 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया। कॉस एक्स कितना होगा आपका, कॉस एक्स होगा बेस अपॉन, तो ये हो जाएगा 4/5, टेन एक्स कितना होगा आपका 3/4, ये लास्ट ईयर करते थे आप, कॉट एक्स कितना होगा 4/3 होगा, सेक एक्स कितना होगा हाइपरटेन्यूस अपॉन बेस 5/4, कोसेक एक्स कितना होगा आपका 5/3, हाइपरटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन इंपॉर्टेंट है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में साइन क्या है नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है केवल, तो कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, नेगेटिव कौन, कॉस को छोड़ करके और एड सुगर टू कॉफी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफी, यानी कॉस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट में, एक अगर हमको दी हो, इफ वन वैल्यू इज गिवन देन अदर कैन बी ऑप्टेंड, तो अदर जो दूसरी वैल्यूज थी वो हमने निकाल ली, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंस देखा आपने कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेंट, कि दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हमें कैसे निकालनी है। अब इसी तरह से अब हम समझे कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले होते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के लिए दोस्तों
आप मेरे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का मेरा रास्ता देखिए। अगले वीडियो में आपको मैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले बताऊंगा जिन्हें आप आसानी से सीख सकेंगे और उन्हें अप्लाई कर सकेंगे, जैसे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस जैसा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ जिसमें आपको मैं देता हूँ कि इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कॉर्टेक्स दे देता हूँ कि कॉर्टेक्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन कि कॉर्टेक्स वाला आप सवाल करिएगा। कॉर्टेक्स दे दिया आपको मैंने -24/7 और एक्स क्वाड्रेंट कौन सा दिया मैंने, एक्स बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ये सेट थ्योरी से निशान आया है बिलोंग्स टू और आपको याद रखना है एक्स बिलोंग्स टू, इसमें एक्स बिलोंग्स टू में दे रहा हूँ मैं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, कॉर्टेक्स इज इक्वल टू दिस मच, एक्स बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट और आपको सारे फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज, उन सब की वैल्यूज निकालनी होगी। तो ये एक क्वेश्चन आपको दिया मैंने, इसको आप करना, आप मुझे लिख भेजना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9685698056, एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स कैन अप्रोच मी एट दिस नंबर और थ्रू दिस नंबर, इट इज़ अप टू यू हाउ यू विश टू अप्रोच, ईदर यू कैन राइट इन कॉमेंट बॉक्स और यू कैन अप्रोच मी थ्रू दिस नंबर, इस नंबर से कर देंगे। तो आप मुझे लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, कोई नई जानकारी हो, कोई गलती रह गई हो तो मुझे ज़रूर से बताइए। मैं आपका साथी डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, PhD इन मैथमेटिक्स, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी, मेरे कई रिसर्च पेपर मैथमेटिक्स में पब्लिश हैं, आप गूगल करेंगे मेरे नाम के साथ तो आपको मिलेगा। और इन्हीं सब के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।